एवरी वन दिस पवन शर्मा क्लोज किया है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है सिचुएशन याद है आपको कल का इवेंट याद है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था और एक कोविड रिलीफ पैकेज प्रोवाइड किया था जिससे मार्केट बिल्कुल खुश नहीं हुआ मैंने कहा था कि मार्केट का जो एक्चुअल रिएक्शन वो कल आएगा कल तो शो किया ही था कि मार्केट इज नॉट हैप्पी सो इट्स क्लियरली अंडरस्टूड दैट दैट मार्केट हैव टेकन कोविड रिलीफ पैकेज सीरियसली या आप कह सकते हैं कि उसका कोई इंपैक्ट मार्केट ने चेयरफुली नहीं लिया अब मार्केट के पास में क्या सिचुएशन था दो सिचुएशन था दोनों को उसने एब्सोलूटली क्लियरली फुलफिल किया है पहली सिचुएशन ये था कि जो चैनल में ट्रेड कर रहा था उसको रेसिस्टेंस बनाया और 21 जो डीएमए था उसको सपोर्ट बना के उसी के ऊपर क्लोज किया ठीक है ऊपर की तरफ हमारा चैनल का लोअर ट्रेंड लाइन और नीचे की तरफ हमारा 21 मूविंग एवरेज कल भी मैंने आपसे कहा था कि वो फिफ्टीन सेवन के अराउंड प्लेस किया गया है ट्वेंटी वन डीएमए उसको सपोर्ट मार्केट बनाएगी क्योंकि उसका क्रूशियल लेवल है और उसको ब्रेक कर दिया तो फिर अगला स्टेप हमारा 15500 हो सकता है लेकिन लकीली उसने उसके ऊपर क्लोज किया है और उसके ऊपर क्लोज करने का एक और अच्छा रीजन ये हो सकता है कि कल वापस से हो सकता है कि वो यहीं से बाउंस बैक करे ओके लेकिन अगर उसने इसको ब्रेक कर दिया ब्रेक करने के बाद में अगर वो इसके नीचे थोड़ी देर भी स्टे कर गया थोड़ी देर का मतलब टेन मिनट और वापस इसके ऊपर नहीं गया तो समझ जाइएगा कि ये इसका जो ट्वेंटी वन डी एम ए का सपोर्ट है वो ब्रोक हो चुका है और उसके बाद में अगला टारगेट हमारा नेक्स्ट सपोर्ट होता है फिलहाल अभी आपके पास में 15600 का माइनर सपोर्ट है और 15500 का मेजर सपोर्ट है तो अगर इसके ऊपर रुक गया देन वी कैन एक्सपेक्ट सम पॉजिटिव मे बी अ बाउंस बैक लेकिन अगर इसको ब्रेक कर गया तो मार्केट टेक्निकली वीक हो जाती है मार्केट सेंटिमेंटली वीक हो जाती है और उसके बाद एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है और वैसे भी मार्केट इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो कल भी मैंने कहा था ट्रिपल टॉप बना चुका है और ट्रिपल टॉप में लगभग अगर आप देखेंगे इसका ये वाला जो है नेक लाइन बनेगा तो नेक लाइन पे ही आके वो अगला सपोर्ट लेगा जैसे मैं अभी मैंने कहा आपसे कि 15600 का एक छोटा सा सपोर्ट है उसके बाद 15500 का आपके पास में अगला टारगेट ट्रेडिंग हो जाएगा इफ दिस इज ब्रोकन तो आपको कल इन्हीं लेवल्स को माइंड में रख के ट्रेड करना है अगर कल 15800 के ऊपर या मैं आपको सेवन का बात कर सकते हैं

उसके बाद एक बड़ा फॉल भी हमें देखने को मिलेगा इन निफ्टी वही लेवल्स में आपको नीचे भी प्रोवाइड कर रहा हूं उनको ध्यान से देखिएगा उन्हीं के अकॉर्डिंग ट्रेड कीजिएगा अगला है हमारा बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी में लेवल्स हमारे ऑलमोस्ट क्लियर हैं कैसे पहली बात ये ट्वेंटी वन के ऊपर है इसने उसको ब्रेक कर दिया है यहाँ पे देखिए ब्रेक हो चुका है अगर ये ब्रेक हो चुका है तो अगर इसको कल ब्रेक करना है ये प्लेस किया है समवेयर क्लोज टू थर्टी फाइव वन हंड्रेड तो अगर ये वापस से बाउंस बैक करती है

नीचे की तरफ फिर से सिचुएशन वहीं आ गई 34900 का हमारे पास सपोर्ट है 21 तो ब्रेक हो चुका है तो 34900 उसके लिए एक लेवल बनेगा जहां वो लास्ट अपने आप को होल्ड कर पाएगा अगर वो ब्रेक हो जाता है तो 34650 का टारगेट आपके लिए क्लियर हो जाएगा वो ब्रेक हो जाएगा तो 34500 के टारगेट आपको जल्दी देखने को मिलेंगे इसी के बेसिस पे आपको बैंक निफ्टी ट्रिएट करना है वही लेवल्स में आपको नीचे भी प्रोवाइड कर रहा हूँ स्टॉक रिकैप में हमारा पहला पेक था जीएसडब्लू स्टील जिसमें हमारा सेल था सिक्स का तो सिक्स हमारा यहाँ प्लेस किया गया पहले तीन चार कैंडल निकाल लीजिए उसके बाद कंफर्टेबली इसने यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस किया एंड देन हिट अव फर्स्ट टारगेट ऑन द सेल साइड अगला था हमारा एम एफ एस एल वन जीरो नाइन जीरो का बाय था समेत प्लेस इतनी बड़ी मूव के बाद मैंने हमेशा कहा एंटर मत कीजिएगा थोड़ा स्टॉक रिकवर करेगा फिर ट्राई करे तो यहाँ पे हमारा एंट्री बना

1610 और 1585 तो 1610 तो आपको यहां पे अचीव नहीं हुआ और 1585 जो है हमारा यहां पे निकल के आया था फॉल के बाद में ये आपको मिलेगा फॉल आया राइज़ किया वंस अगेन फॉल आई डोंट थिंक सो कि 1230 के बाद आपको ट्रेड मिलता भी है तो इसमें भी नो ट्रेड रहा आपके पास में ICICI जनरल इंश्योरेंस में फ्रेंड्स अगर आप ट्रेडिंग को सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं और आगे चल के प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम देन यू मस्ट नो ऑल अबाउट द एनालिसिस आपको ट्रेंड का पता होना चाहिए कब करना डिमांड सप्लाई का पता होना चाहिए सपोर्ट रेसिस्टेंस मार्केट कहां ले रही है कब आपको फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड करने चाहिए व्हेन टू एग्जिट फ्रॉम सो दैट आपको ज्यादा लॉस नहीं हो हाउ टू फाइंड एंड ट्रेड स्विंग ट्रेड अगर टाइम कम है तो आपको ऑप्शन से कैसे पैसे बनाना चाहिए यह सब नॉलेज आपके पास में होना बहुत जरूरी है एंड इनकेस यू वॉन्ट टू लर्न ऑल दीज थिंग्स दैन वी डू प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर विच यू कैन वॉट्सअप एंड इंक्वायर फॉर आवर ट्रेनिंग से और फिर यहां पर विच मीन ये ट्रेंड लाइन भी किसी ना किसी तरह से सपोर्ट का काम कर रहा है और ट्वेंटी वन उसका जो है वो रेसिस्टेंस बन गया अगर ट्वेंटी वन को ब्रेक करेगा उसके ऊपर ट्रेड करेगा कुछ देर तो हमारा अच्छे से बाइंग जनरेट हो जाएगा क्योंकि ट्वेंटी में सपोर्ट बन जाएगा और स्टॉक राइज करेगा लेकिन अगर एक लाइन ब्रेक हो जाता है और ट्रेंड लाइन के नीचे थोड़ी देर भी स्टे कर जाए जैसे मैंने आपको बताया बैंक निफ्टी के बारे में निफ्टी के बारे में अगर वहां पर थोड़ी देर होल्ड कर जाता है वापस नहीं जाता तो ये एक बड़ा फॉल लेके आएगा उसके बाद जो टारगेट है वापस से फोर के हमें देखने को मिलेंगे और यही चीज आपको कल ट्रेडिंग में भी हेल्प करेगी ऊपर की तरफ जाता है तो ब्रेकआउट है नीचे की तरफ आता है तो ब्रेकडाउन है और दोनों तरफ आपको अच्छे लेवल देखने को मिलेंगे एस अगला ट्रेड रहेगा हमारा वो है जिंदल स्टील जिंदल स्टील ने इसको ब्रेक किया ट्वेंटी को आज होल्ड किया कल की तरफ लेकिन आज उसने एक पियरसिंग पैटर्न बनाया जब स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल को होल्ड करता है और वहां पे कोई ऐसा क्लासिक पैटर्न बन जाता है जो बियरिश है तो ये अंडरस्टूड है कि वो लेवल फेल हो चुका है जो सपोर्ट है वो वीक है वापस से स्टॉक नीचे गिर सकता है तो कल अगर ये अपने लो के नीचे ट्रेड करता है जो आज का लो है और वहां पे थोड़ी देर भी स्टे कर जाएगा तो एक अच्छा फॉल देखने को मिलेगा ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा आपको रेसिस्टेंस देखना पड़ेगा अब मैं आपसे कहूंगा कि स्टॉक को ऊपर जाने दीजिएगा और एटलीस्ट फिफ्टीन मिनट दस मिनट नहीं फिफ्टीन मिनट इस ट्वेंटी वन के ऊपर ट्रेड करे और एक बार भी उस फिफ्टीन मिनट में अपने ट्वेंटी वन को ब्रेक ना करें इस लेवल को याद रख लीजिएगा उसको ब्रेक ना करें तभी आपके लिए वापस से थोड़ा सा राइज देखने को मिलेगा इन जिंदल स्टील अदरवाइज अच्छा फॉल आपको ज्यादा इसमें प्रॉफिट प्रोवाइड करेगा सो दैट्स फॉर दी जिंदल स्टील अगला है हमारे पास में वो है ग्रासिम ग्रासिम में ये सपोर्ट आ रहा है ट्वेंटी वन का और ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है तो आप मान लीजिएगा कि अगर ये यहां से ब्रेक करता है विच इज समवेयर क्लोज टू फिफ्टीन हंड्रेड अगर कल ग्रासिम ने फिफ्टी हंड्रेड ब्रेक कर दिया क्योंकि ये ट्रेंड लाइन उसका इमीडिएट सपोर्ट है तो अगला टारगेट 1480 का निकल के आएगा और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो टारगेट वापस से 14 से ये फोर्टीन ट्वेंटी के आसपास आपको देखने को मिलेंगे तो अगर यहीं पे होल्ड करना है यहीं से बाउंस बैक करना है तो उसके लिए ये ट्रेंड लाइन लास्ट सपोर्ट रहेगा और फिर वापस से आपको राइज मिलेगा सो तो दोनों तरफ हमारे लिए ग्रासिंग भी अच्छा प्रॉफिट लेके आएगा बस मूवमेंट होनी चाहिए अगला स्टॉक है हमारे पास एल एन टी एल को मैंने आपको कुछ लास्ट वीक में प्रोवाइड किया था जब मैंने आपको कहा था कि ये हमारा ट्रेंड लाइन है जहाँ पे लगातार रेसिस्टेंस फेस कर रहा है और लगातार उसको ग्रो कर रहा है वापस से गिरते वक्त उसने फिर ब्रेक किया फिर ट्राई किया उसके बाद सपोर्ट बनाया और राइज किया आज उसने, उसने उस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करके उसके नीचे क्लोज कर लिया है ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है सपोर्ट ब्रेक हो चुका है और उसने जो अपने ट्वेंटी वन के ऊपर ही अपने आपको लास्ट सपोर्ट लिया है अगर ये ब्रेक होता है थोड़ी देश के कर जाता है

a disclaimer guys that all these videos which i create for you are for education purposes if you are taking it under my recommendation do consult with your financial advisor before taking those take care have a nice day